नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई औषधि के बारे में जानकारी देंगे। इस औषधि को हम वैसे अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं मसालों के रूप में। आज हम आपको अजवाइन के बारे में जानकारी देंगे। आज आपको बताएंगे कि आयुर्वेद में इसका कितना बड़ा महत्व है। हमारे घर में होते हुए भी हम इसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए, जबकि इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये अजवाइन का पौधा देख रहे हैं, यह वैसे तो पूरे भारतवर्ष में होता है, लेकिन बंगाल और दक्षिणी प्रदेश में और पंजाब में अधिक पैदा होता है। इसके पौधे 2 से 3 फुट ऊंचे होते हैं और पत्ते छोटे आकार में कुछ कटीले होते हैं। डालियों पर सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए होते हैं, जो पककर सूख जाने पर अजवाइन के दाने में परिवर्तन हो जाते हैं। ये दाने ही घरों में मसाले के रूप में और औषधियों के रूप में उपयोग किया जाता है। विभिन्न भाषाओं में इसे, जैसे संस्कृत में यवानी कहते हैं, हिंदी में अजवाइन कह देते हैं, मराठी में ओवा कह देते हैं। अजवाइन के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि इसमें 100 प्रकार के अन्न पचाने की ताकत होती है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि कितनी मात्रा आप ले सकते हैं। आप अजवाइन को 2 से 5 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं और इसके तेल को आप 1 से 3 बूंद की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अजवाइन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, अब आप इसको कितनी मात्रा में ले सकते हैं और कौन से रोगों में ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, पहला उपाय उनके लिए है जिनके पेट में अक्सर कीड़े की समस्या बनी रहती है या पेट खराब रहता है और कीड़े बने रहते हैं पेट में। आप इसके लिए 2 ग्राम की मात्रा में नमकीन अजवाइन लीजिए और उसे दिन में 3 बार उसका सेवन करिए। लगातार 3 दिन तक सेवन करने से पेट के सभी प्रकार के कीड़े नष्ट हो जाते हैं और वे मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें गठिया बाय और जोड़ों का दर्द रहता है, आप इसके लिए अजवाइन का तेल लीजिए और उस तेल से अपने जोड़ों पर अच्छी तरह से मालिश करिए। इससे गठिया बाय का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें मिट्टी खाने की आदत है, कोयला खाने की आदत है, चौक मिट्टी खाने की आदत है या वंश लोचन ज़्यादा खाते हैं, तो आप इसके लिए 1 चम्मच की मात्रा में अजवाइन का चूर्ण दीजिए रात को सोते समय। आप 3 हफ्ते तक लगातार इस चूर्ण को देते हैं तो उन्हें अन्य प्रकार की, जैसे ही मिट्टी खाते हैं तो वे पूरी तरह से खाना बंद कर देते हैं। अगला उपाय उनके लिए जिनके पेट में अक्सर दर्द की समस्या बनी रहती है, आप इसके लिए 1 ग्राम काला नमक लीजिए, 2 ग्राम लीजिए अजवाइन और गर्म पानी के साथ उसका सेवन करिए। आपके पेट में जो दर्द की समस्या बनी रहती है उसमें आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अगला उपाय महिलाओं के लिए है, जो महिलाएँ 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच गुड़ को मिलाकर रोज़ सेवन करती हैं तो एक तो उनको शरीर में बल मिलता है और गर्भ की शुद्धि होती है, भूख अधिक लगती है और जो मासिक धर्म की अन्य प्रकार की परेशानियाँ होती हैं वे पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। अगला उपाय उनके लिए है जिनको खांसी या बलगम की समस्या बनी रहती है, तो आप इसके लिए अजवाइन को अच्छी तरह से चबाकर खाइए और ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार से खांसी है तो वह ठीक हो जाएगी, जो बलगम की समस्या है तो वह दूर हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए है जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं, तो आप उनको गर्म पानी के साथ 1 ग्राम अजवाइन रोज़ रात को दें। कम से कम 7 दिन तक लगातार देने से बच्चे बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देते हैं। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें गैस की समस्या बनी रहती है, आप इसके लिए 1 चम्मच काला नमक लीजिए और 1 चम्मच लीजिए अजवाइन, दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और 1-1 चम्मच की मात्रा में आप इसका सुबह और शाम सेवन करते हैं छाछ के साथ, जो दही बिलोई होती है उसके साथ आपको सेवन करना है। आपको गैस की जो समस्या बनी रहती है वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनका खाना खाने के बाद खाना सही ढंग से पच नहीं पाता है, आप इसके लिए सिकी हुई अजवाइन लीजिए 1 चम्मच की मात्रा में, स्वाद के अनुसार उसमें काला नमक डाल लीजिए। अगर आप उसका सेवन करते हैं गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद आपको ये लेना है, तो आपका खाना भी सही ढंग से पचेगा और आपका पेट स्वस्थ रहेगा। अगला उपाय उनके लिए है जिनके शरीर पर फोड़े, फुंसी, खाज, खुजली की समस्या बनी रहती है, आप इसके लिए गर्म पानी में अजवाइन को अच्छी तरह से पीस लीजिए और उस लेप को खाज, खुजली या दाद पे या फोड़े फुंसी पे लगाइए। आपके फोड़े फुंसी 3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। अगर खाज खुजली की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमने ये आपको साइड में दिखा रहे हैं, ये पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे देखना आप ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी हमसे सवाल पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।